कांठावड़ पुलिस ने ग्राम गोदना में हुई डकैती के 6 आरोपियों को 10 दिन में ही गिरफ्तार कर बड़ी घटना का खुलासा किया है। देवास पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशन और एडिशनल SP आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हीना डावर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर संतोष राठौर के घर 10 अक्टूबर की रात हुई डकैती की घटना का खुलासा किया है। वही डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को अलग अलग राज्यों से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। घटना से देवास सहित अन्य जिलों के आरोपी पकड़े हैं और उनसे डकैती का माल भी बरामद हुआ है। सतवास तहसील से बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट। इसमें डकैती वाला मामला है जिसमें अभी 6 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और जेल भिजवाया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि 10-10-24 की बात है, करीबन अष्टमी नवमी की बात होगी। अष्टमी नवमी की दरमियानी रात है, 11 से 1 बजे। सूचनाकर्ता संतोष ने बताया कि उस दौरान करीबन 10 से 15 लोग अज्ञात व्यक्ति उनके घर पर आए, जिनमें से 5-6 लोग घर के अंदर घुस गए। उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करके उनके सोना चांदी और पैसे वगैरह लूटपाट करके ले गए हैं और गांव के लोगों पर पथराव भी किया था, जिससे हम लोगों ने थाने पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की थी। विवेचना के दौरान तकनीकी माध्यम और फुटेज के आधार पर हम लोगों ने संदेही शंकर को उठाया था, जिसने पूछताछ करके बताया था कि बागली के ही कोई संतोष नायक नाम का व्यक्ति है। वो मेरे पास आया था, उसने ये सूचना दी थी कि संतोष के घर पे कुछ 30 लाख के करीबन माल रखा है और सोना चांदी जेवर रखे हुए हैं। संतोष शंकर के माध्यम की सूचना पर संतोष को हमने बड़ौथा से उठाया था, फिर उससे पूछताछ करके बताया था कि उसने बागली की कोई परिचित है अजय करके, उसने जानकारी दी थी कि फला फला व्यक्ति ने वहां पर पैसे वैसे रखे हुए हैं। अजय को उठाने पर जानकारी लगी कि ग्राम गोदना का ही है सुरेश चंद, जिसने उसको सूचना दी थी कि संतोष के घर पे करीबन 30 लाख और सोना चांदी के जेवरात रखे हैं, जिसके आधार पे सभी आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा है। कितना आरोपी है? अभी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 5-6 या 8 और भी हो सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी होना शेष है। ये मध्य प्रदेश से ही गिरफ्तार करे या अन्य प्रदेश से भी है? हमने अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है, एक दो को महाराष्ट्र से लेके आए हैं, बाकी धारटांडे के भी लोग हैं, बागली से भी गिरफ्तार किया है लोगों को। इसमें मुख्य कारण उन्हीं के गांव का है, सुरेश। उनका पहले संबंध अच्छे थे, लेकिन कुछ लेन देन की बात को लेकर उन्होंने ईर्ष्या रखी थी। थोड़ा सा माल बरामद हुआ है, बाकी अन्य आरोपी गिरफ्तारी शेष होने से माल बरामद होना शेष।